दिल्ली में हवा बेहद ही खराब हो गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 700 को भी पार कर गया है और आज सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके के साथ साथ आनंद विहार में भी पॉल्यूशन का लेवल जानलेवा स्थिति में आ गया है। जहांगीरपुरी और आनंद विहार में AQI 700 को पार कर गया है। इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी स्थिति बेहद खतरनाक है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि कम से कम अगले 2 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। और आपको बताते हैं कि दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण का स्तर क्या रहा, दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हुई है। जहांगीरपुरी में AQI 740 और आनंद विहार में 707 दर्ज हुई। बवाना में 586, नरेला में 578, अलीपुर में 521, तो रोहिणी में 522 और सोनिया विहार में 503 और फरीदाबाद में 610। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमले और तेज कर दिए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है और वो दूसरे स्टेट में ज्यादा समय बिताते हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है। साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल से दिल्ली के स्कूल बंद करने की भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से तो आया ही हूँ, लेकिन मैं एक दादा की हैसियत से भी आया हूँ कि मेरा भी 10 महीने का पोता है और उसकी भी तबीयत खराब हो रही है, उसको भी कंजेशन हो रहा है और ऐसे दिल्ली में लाखों लोग, लाखों बच्चे, क्योंकि दिल्ली में हर दूसरा बच्चा बीमार हो रहा है, स्कूल जाने वाला एक बच्चा भी है, तो बच्चे तकलीफ में है, सांस लेना उनको दूभर हो रहा है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ना तो प्रदूषण के कारणों का समाधान कर रही है और ना ही वो कोई भी बच्चों के स्कूल बंद हो इसके लिए कोई कार्रवाई कर रही है। पॉल्यूशन पर जनता की जो मांग है उसको लागू करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मत करो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, स्कूल बंद करो केजरीवाल, स्कूल बंद करो केजरीवाल। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है, यह रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है, गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं, लोग जो बाहर जाते हैं खांस खांस कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आक्रामक है, लापरवाही बरतने के आरोप लगा रही है। इन आरोपों के बीच अभी दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसका जायजा लिया इंडिया टीवी के संवाददाता श्रुतिका ने। राजधानी दिल्ली की वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और बात करें आज सुबह की तो सीवियर कैटेगरी में AQI पहुंच चुका है। बीते दिन से ही सीवियर कैटेगरी में AQI बना हुआ है। इस वक्त के ओवरऑल AQI की बात करें तो 472 AQI राजधानी दिल्ली में है जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। साथ ही इस वक्त मेरी मौजूदगी अक्षरधाम के फ्लाईओवर पर है जहां से अक्षरधाम को देख पाना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि स्मॉग की चादर से अक्षरधाम पूरी तरीके से ढक चुका है। आसपास के सभी इलाकों में स्मॉग की चादर देखी जा सकती है, दूर दूर तक जहां तक भी हम निगाह डालते हैं वहां हमें सफेद चादर नजर आती है। ये चादर पोल्यूशन की चादर है और इससे इसमें सांस लेने से सेहत को बहुत नुकसान होता है। लगातार मांग ये भी बढ़ती जा रही है कि बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए जाएं क्योंकि इस हवा में सांस लेना सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। विजिबिलिटी पर लगातार असर पड़ रहा है। अभी यहाँ से अक्षरधाम विजिबल नहीं है और यही हाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों का है, जहाँ जहांगीरपुरी में जो AQI है वो 620 पहुंच गया है, आनंद विहार में 628 पहुंच चुका है और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में 400 के पार AQI इस वक्त बना हुआ है जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है और इसमें सांस लेने पर कोई सेहतमंद व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय भी आ चुकी है
वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी लंग रिलेटेड इशू है, कार्डियोवैस्कुलर इशू है, तो ऐसे में इस हवा में बाहर ना आए, सुबह शाम के वक्त बाहर आने से बचे और अपना अपनी सेहत का बचाव लगातार करते रहें, क्योंकि इस हवा में सांस लेने पर बच्चे, बड़े बुजुर्ग, कोई भी बुरी तरीके से बीमार पड़ सकता है। कैमरा पर्सन प्रवीण मिश्रा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन से बुरा हाल है। घर से बाहर निकलने पर लगता है जैसे धुआं मुंह के अंदर जा रहा हो। हवा के बेहद खराब लेवल को देखते हुए नोएडा में 8वीं तक के बच्चों के क्लास ऑनलाइन चलाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के क्लास भी ऑनलाइन करने के सुझाव दिए गए हैं। स्कूलों में अभी आउटडोर एक्टिविटी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का 4th स्टेज लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है, इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कई इलाकों का AQI लेवल बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। नोएडा में 1st से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। हालत इतनी खराब है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का 4th चरण लागू कर दिया गया है। पराली के धुएं से निपटने के लिए कृषि मंत्री भी मैदान में उतर आए हैं। आज वह करीब 200 किसानों को लाइव डेमो देकर बताएंगे कि पराली डिकम्पोजर का इस्तेमाल कैसे करना है। पंजाब में जमकर पराली जलाई जा रही है और उसकी कीमत दिल्ली एनसीआर के लोगों को चुकानी पड़ रही है। हवा में फैले जहर को नापते नापते AQI के पैरामीटर हांफने लगे हैं। घर से बाहर निकलते ही सांसों पर पॉल्यूशन का हमला है। प्रदूषण को रोकने की तमाम कोशिश फेल नजर आ रही है। गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 400 को पार कर गया। नोएडा में पॉल्यूशन की गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक 1st से 8वीं क्लास तक ऑनलाइन क्लासेज होंगी। स्कूलों में 8 नवंबर 2022 तक अनिवार्य ऑनलाइन क्लासेज लिए जाएंगे। क्लास 9 से 12 तक भी ऑनलाइन चलाने के सुझाव दिए गए हैं। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली में भी पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेज की मांग कर रहे हैं ताकि छात्रों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिले। स्कूलों के लिए अभी थोड़ा खतरनाक मैं कहता हूं कि ठीक है, हो सकता है। अब ऑनलाइन क्लासेस पहले भी चली, 2 साल पहले करने को कर सकते हैं स्कूल वाले, 2 साल जैसे पहले चली थी ऑनलाइन क्लासेस 10-15 दिन 20 दिन के लिए चालू कर सकते हैं। ये अच्छी बात है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अगर स्कूल एक हफ्ता बंद हो सके तो हो जाए। ना स्कूल वाले सुनते हैं, ना हमारी दिल्ली सरकार सुनती है। अब तो पंजाब में भी हमारी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो लोग वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। नुकसान तो एक आम आदमी का हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।